आदरणीय अध्यक्ष जी, इस सदन में बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो भारत के युवाओं के सपनों को, उनकी महत्वाकांक्षाओं को, उनकी आशा अपेक्षा के मुताबिक वो जो काम करना चाहता है उसके लिए हम अवसर दें। सरकार में रहते हुए हमने भी इस दायित्व को निभाने का भरपूर प्रयास किया है। हमने भारत के युवाओं को घोटालों से रहित सरकार दी है। हमने भारत के युवाओं को, आज के हमारे प्रोफेशनल्स को, खुले आसमान में उड़ने के लिए हौसला दिया है, अवसर दिया है। हमने दुनिया में भारत की बिगड़ी हुई साख उसको भी संभाला है और उसे फिर एक बार नई ऊंचाइयों पर ले गए हैं। अभी भी कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में हमारी साख को दाग लग जाए, लेकिन दुनिया अब देश को जान चुकी है। दुनिया के भविष्य में भारत किस प्रकार से योगदान दे सकता है, ये विश्व का विश्वास बढ़ता चला जा रहा है। मन और इस दौरान हमारे विपक्ष के साथियों ने क्या किया, जब इतनी सानुकूल वातावरण, चारों तरफ संभावना ही संभावनाएं, इन्होंने अविश्वास के प्रस्ताव की आड़ में जनता के आत्मविश्वास को तोड़ने की विफल कोशिश की है। आज भारत के युवा रिकॉर्ड संख्या में नए स्टार्टअप लेकर के दुनिया को चकित कर रहे हैं। आज भारत में रिकॉर्ड विदेशी निवेश आ रहा है। आज भारत का एक्सपोर्ट नई बुलंदी को छू रहा है। आज भारत की कोई भी अच्छी बात ये सुन नहीं सकते, यही उनकी अवस्था है। आज गरीब के दिल में अपने सपने पूरा करने का भरोसा पैदा हुआ है। आज देश में गरीबी तेजी से घट रही है। नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 साल में 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आईएमएफ अपने एक वर्किंग पेपर में लिखता है कि भारत ने अति गरीबी को करीब करीब खत्म कर दिया है। आईएमएफ ने भारत के डीबीटी के और दूसरे हमारे सोशल वेलफेयर स्कीम के लिए, आईएमएफ ने इसे कहा है ये लॉजिस्टिकल मार्वल है। आदरणीय अध्यक्ष जी, WHO ने कहा है, आदरणीय अध्यक्ष जी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि जल जीवन मिशन के जरिए भारत में 4 लाख लोगों की जान बच रही है। ये 4 लाख कौन है? मेरे गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित परिवारों के मेरे स्वजन है, हमारे परिवार के निचले तबके में जिंदगी गुजारने के लिए जो मजबूर हुए उनके जन हैं। ऐसे 4 लाख लोगों की जान बचने की बात WHO कह रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, WHO स्वच्छ भारत अभियान का एनालिसिस करके के कहता है कि स्वच्छ भारत अभियान से 3 लाख लोगों को मरने से बचाया गया है।
माननीय अध्यक्ष जी, भारत स्वच्छ होता है 3 लाख लोगों की जिंदगी बचती है। 3 लाख है कौन? वही झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी जीने के लिए जो मजबूर है, जिनके लिए अनेक कठिनाइयों से गुजारा करना पड़ता है, मेरे गरीब परिवार के लोग, शहरों की बस्तियों में गुजारा करने वाले लोग, गांव में जीने वाले लोग हैं और वंचित तबके के लोग हैं जिनकी जान बची है। यूनिसेफ ने क्या कहा है? यूनिसेफ ने कहा है कि स्वच्छ भारत अभियान के कारण हर साल गरीबों के 50,000 रुपये बच रहे हैं। ये लेकिन भारत की इन उपलब्धियों से कांग्रेस समेत विपक्ष के कुछ लोग दलों को अविश्वास है। जो सच्चाई दुनिया दूर से देख रही है, ये लोग यहां रहते हैं दिखती नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, अविश्वास और घमंड इनकी रगों में रस बस गया है। वे जनता के विश्वास को कभी देख नहीं पाते हैं। अब ये जो शुतुरमुर्ग अप्रोच है, इसके लिए तो देश क्या कर सकता है? आदरणीय अध्यक्ष जी, जो पुरानी सोच वाले लोग रहते हैं, मैं उस सोच से सहमत नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि देखो भाई, जब कुछ शुभ होता है, कुछ मंगल होता है, घर में भी कोई अच्छा होता है, बच्चे भी कोई अच्छे कपड़े पहनता है, जरा साफ सुथरा होता है, तो काला टीला टीका लगा देते हैं। आज देश का जो मंगल हो रहा है चारों तरफ, देश की जो चारों तरफ वाहवाही हो रही है, देश का जो जय जयकार हो रहा है, तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि काले टीके के रूप में, काले कपड़े में निकल के सदन में आकर के आपने इस मंगल को भी सुरक्षित करने का काम किया है, इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, पिछले 3 दिन से भी हमारे विपक्ष के साथियों ने जी भर करके डिक्शनरी खोल खोल करके जितने अपशब्द मिलते हैं ले आए हैं, जितने अपशब्दों का उपयोग कर सकते हैं भरपूर, पता नहीं कहां कहां से ले आते हैं, लेकिन अच्छा है, थोड़ा मन का गुबार उनका निकल गया होगा, थोड़ा मन हल्का हुआ होगा, इतने अपशब्द बोल लिए हैं तो। और वैसे तो ये लोग मुझे दिन रात कोसते रहते हैं, उनकी ये फितरत है, और उनके लिए तो सबसे प्रिय नारा क्या है? मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये इनकी पसंदीदा नारा है। लेकिन मेरे लिए इनकी ये गालियां, ये अपशब्द, ये अलोकतांत्रिक भाषा, मैं उसका भी टॉनिक बना देता हूं। और ये ऐसा क्यों करते हैं और ये क्यों होता है? आज मैं सदन में कुछ सीक्रेट बताना चाहता हूं। मेरा पक्का विश्वास हो गया है कि विपक्ष के लोगों को एक सीक्रेट वरदान मिला हुआ है। हाँ,
सीक्रेट वरदान मिला हुआ है जी। और वरदान ये कि ये लोग जिसका बुरा चाहेंगे उसका भला ही होगा। एक उदाहरण तो आप देखिए, मौजूद है, 20 साल हो गए, क्या कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ नहीं किया गया, लेकिन भलाई होता गया। तो आपको बड़ा सीक्रेट वरदान है जी, और मैं 3 उदाहरण से ये सीक्रेट वरदान को सिद्ध कर सकता हूं जी। आपको ध्यान होगा कि इन लोगों ने कहा था बैंकिंग सेक्टर के लिए, बैंकिंग सेक्टर डूब जाएगा, बैंकिंग सेक्टर तबाह हो जाएगा, देश खत्म हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा, न जाने क्या क्या कहा था। और बड़े बड़े विद्वानों को विदेशों से ले आते थे, उनसे कहलवाते थे ताकि उनकी बात कोई न माने तो शायद उनकी मान ले। हमारे बैंकों की सेहत को लेकर के भांति भांति की निराशा अफवाह फैलाने का काम इन्होंने पुरजोश किया, और जब इन्होंने बुरा चाहा बैंकों का तो हुआ क्या, हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक्स नेट प्रॉफिट 2 गुने से ज्यादा हो गया। इन लोगों ने फोन बैंकिंग घोटाले की बात, इसके कारण देश को एनपीए के गंभीर संकट में डुबो दिया था। बीते दिनों की बात हो रही है, लेकिन आज जो उन्होंने एनपीए का अंबर लगा के गए थे उसको भी पार कर करके हम एक नई ताकत के साथ निकल चुके हैं। आज सुबह निर्मला जी ने विस्तार से बताया है कि कितना प्रॉफिट हुआ है। दूसरा उदाहरण, हमारे डिफेंस के हेलीकॉप्टर बनाने वाली सरकारी कंपनी एचएएल, ये एचएएल को लेकर के कितनी भली बुरी बातें इन्होंने करी थी, क्या कुछ नहीं कहा गया था एचएएल के लिए, और इसका दुनिया पे बहुत नुकसान करने वाली भाषा का प्रयोग किया गया था। और एचएएल तबाह हो गया है, एचएएल खत्म हो गया है, भारतीय डिफेंस इंडस्ट्री खत्म हो चुकी है, ऐसा न जाने क्या क्या कहा गया था एचएएल के लिए। इतना ही नहीं, जैसे आजकल खेतों में जाकर के वीडियो शूट होता है, मालूम है ना, खेतों में जाकर के वीडियो शूट होता है ऐसे, वैसा ही उस समय एचएएल फैक्ट्री के दरवाजे पर मजदूरों की सभा करके वीडियो शूट करवाया गया था, और वहां के कामगारों को भड़काया गया था, अब तुम्हारा कोई भविष्य नहीं है, तुम्हारे बच्चे मरेंगे, भूखे मरेंगे, एचएएल डूब रहा है, देश की इतनी महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट को इतना बुरा चाहा, इतना बुरा चाहा, इतना बुरा कहा कि वो सीक्रेट आज एचएएल सफलता की नई बुलंदियों को छू रहा है। एचएएल ने अपना हाईएस्ट एवर हाईएस्ट रेवेन्यू रजिस्टर किया है। इनके जी भर करके गंभीर आरोप के बावजूद वहां के कामदारों को, वहां के कर्मचारियों को उकसाने की भरपूर कोशिश के बावजूद भी आज एचएएल देश की आन बान शान बन के उठ रहा है।
आदरणीय अध्यक्ष जी, जिसका बुरा चाहते हैं वो कैसे आगे बढ़ता है, मैं तीसरा उदाहरण देता हूं। आप जानते हैं LIC के लिए क्या क्या कहा गया था? LIC बर्बाद हो गई, गरीबों के पैसे डूब रहे हैं, गरीब कहाँ जाएगा, बेचारे ने बड़ी मेहनत से LIC में पैसा डाला है। क्या कहें, जितनी उनकी कल्पना शक्ति थी, जितने उनके दरबारियों ने कागज पकड़ा दिए थे, सारे बोल लेते थे, वो सारे बोल लेते थे। लेकिन आज LIC लगातार मजबूत हो रही है, शेयर मार्केट में रुचि रखने वाले को भी ये गुरु मंत्र है कि जो सरकारी कंपनियों को ये लोग गाली देना, आप उसमें दांव लगा दीजिए साहब, अच्छा ही हो जाएगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये लोग देश की जिन संस्थाओं की मृत्यु की घोषणा करते हैं उन संस्थाओं का भाग्य चमक जाता है, और मुझे विश्वास है कि ये जैसे देश को कोसते हैं, लोकतंत्र को कोसते हैं, मेरा पक्का विश्वास है देश भी मजबूत होने वाला है, लोकतंत्र भी मजबूत होने वाला है, और हम तो होने ही वाले हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये वो लोग हैं जिन्हें देश के सामर्थ्य पर विश्वास नहीं, इन लोगों को देश के परिश्रम पर विश्वास नहीं है, देश के पराक्रम पर विश्वास नहीं है। कुछ दिन पहले मैंने कहा था कि हमारी सरकार के अगले टर्म में, तीसरे टर्म में भारत दुनिया की तीसरी टॉप अर्थव्यवस्था बनेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, अब देश के भविष्य पर थोड़ा सा भी भरोसा होता, जब हम ये क्लेम करते हैं कि हम आने वाले 5 साल में, नए तीसरे टर्म में, हम देश की इकोनॉमी को तीसरे पर लाएंगे, तो एक जिम्मेवार विपक्ष क्या करता, वो सवाल पूछता, अच्छा भाई बताओ, निर्मला जी बताओ कैसे करने वाले हो, अच्छा मोदी जी बताओ कैसे करने वाले हो, आपका रोड मैप बताओ, ऐसा करते। अब ये भी मुझे सिखाना पड़ रहा है, लेकिन या वो कुछ सुझाव दे सकते थे, ये कुछ सुझाव दे सकते थे, या फिर कहते हम चुनाव में जनता के बीच जाकर के बताएंगे कि ये तीसरे की बात करते हैं, हम तो एक नंबर पर लेके आएंगे और ऐसे ऐसे ले, कुछ तो करते यार। लेकिन हमारे विपक्ष की त्रासदी ये है, और उनके राजनीतिक विमर्श पर गौर कीजिए, कांग्रेस के लोग क्या कह रहे हैं, अब देखिए कितना कल्पना दारिद्र है। इतने सालों तक सत्ता में रहने के बाद भी क्या अनुभवताहीन बातें सुनने को मिल रही है जी, क्या कहते हैं ये कहते हैं इस लक्ष्य तक पहुंच रहे, कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही होने वाला है तीसरे नंबर पर, बताओ। मुझे लगता है कि इसी सोच के कारण वो सोते रहे इतने सालों तक, तो अपने आप होने वाला है। वो कहते हैं बिना कुछ किए तीसरे पहुंच जाएंगे, और कांग्रेस की माने अगर सब कुछ ऑफ ही अपने आप ही हो जाने वाला है, इसका मतलब है कांग्रेस के पास न नीति है, न नियत है, न विजन है, न वैश्विक अर्थव्यवस्था की समझ है, और न ही भारत के अर्थ जगत के ताकत का पता है।